हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। कैसे हो आप सब? तो कैसी रही आप सबकी नवरात्रि? मेरी तो बहुत अच्छी रही। तो कुछ ही दिनों में आने वाला है फिर से एक और फेस्टिवल, करवा चौथ। तो हम सब लड़कियों के लिए करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। हम सबसे ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छे दिखना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए लुक क्रिएट किया है जो कि है मोनोक्रोम लुक। बहुत ही ज़्यादा सुंदर टर्न आउट हुआ है, तो आप इस करवा चौथ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आपका ये फर्स्ट करवा चौथ है, तब तो आपको ज़रूर ये लुक ट्राई करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना कि आपको लुक कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो करवा चौथ के दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, तो इसलिए हमारी स्किन थोड़ी सी डल दिख सकती है, डिहाइड्रेट दिख सकती है, तो उसी को हमें थोड़ा सा पहले सही करना होगा। तो मैं यहाँ पे अच्छे से स्किन केयर करूँ, तो सबसे पहले मैंने लिया है ये DIY टोनर, जो कि इस बार मैंने बनाया है राइस वाटर से। इसको पिछले 15-20 दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क मिला है। तो टोनर को अच्छे से एब्जॉर्व करवा लीजिए स्किन में। इसके बाद हम लेंगे हमारा कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो भी आपकी स्किन टाइप है वो वाला मॉइस्चराइजर ले लीजिए। इससे हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी, प्लम्प दिखेगी, और मेकअप से पहले हमारी स्किन अगर जब इतनी अच्छी हो जाती है तो मेकअप हमारा बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है। लिप्स भी हमारे ड्राई हो जाते हैं, तो उनको भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। मैंने यहाँ पे वैसलीन ली है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर। जैसे आप लोगों को पता है, मुझे अपने फाउंडेशन के साथ या फाउंडेशन से पहले बहुत ज़्यादा ग्लो पसंद है, क्योंकि फाइनल जो लुक आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लम्प हमारी स्किन लगती है, ग्लोई और डूई लगती है। तो ये करवा चौथ है, तो आप सबको ये वाला स्टेप जरूर करना है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग भी उस दिन चमको धमको, आपके पति आपको नोटिस करें। तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी। तो कोई भी हाईलाइटर लेके आप अपने फेस पे अच्छे से इस तरीके से डैप डैप मोशन में लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिक्विड हाईलाइटर लिया है, तो इसको जल्दी से मुझे ब्लेंड करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसीलिए। तो इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन में कितना ज़्यादा फर्क आया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो, तो अच्छे से इसको अपने फाउंडेशन से पहले ज़रूर लगाना है, जिससे आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा निकल के आए। अब लगाएंगे हम प्राइमर। अगर आप मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ नहीं करते हो, तो समझ लीजिए आप एक क्राइम करते हो अपनी स्किन के साथ, क्योंकि मेकअप से पहले जब हम प्राइमर लगाते हैं तो हमारी स्किन के जितने भी पोर्स होते हैं वो सब फिल हो जाते हैं, और हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड लिया है, जिससे मेरे सारे पोर्स फिल हो गए हैं, और मेकअप से पहले लगाना बहुत ज़रूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑल टाइम फेवरेट फिट मी फाउंडेशन मेबेलिन ब्रांड से लिया है। इस फाउंडेशन को मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहती है। तो आपको भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना है, क्योंकि ऑफकोर्स आप उस दिन कुछ भी खा पी नहीं रहे हो, तो आपको उस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ही लिया, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको करते हैं जल्दी से ब्लेंड। वैसे जनरली मैं 2 पंप लेती हूँ, तो अभी उतना मुझे मिल गया है, तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे और अपने नेक पे। आप जब भी कोई भी सूट पहनोगे या ब्लाउज पहनोगे, तो आपको ध्यान रखना है जितना पार्ट आपका एक्सपोज्ड हो रहा है, तो उतने पे भी आपको फाउंडेशन लगाना है, जिससे कि नेक और फेस में कलर ज़्यादा डिफरेंस ना दिखे। तो अच्छे से मैंने इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। अब चाहो तो ब्रश या की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है अपनी स्किन के ऊपर, तो वो ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, नेचुरल लगता है, ज़्यादा लाइट वेट लगता है। फाउंडेशन के बाद मूव करते हैं कंसीलर की तरफ। तो मैंने अपनी स्किन से मैच करता हुआ ही कंसीलर लिया है। इसको मैं वहीं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, तो जैसे कि अपनी आईज़ के अराउंड माउथ पे अपने थोड़ा सा पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो डार्क सर्कल थोड़े थोड़े से है, तो उसको सब हाइड कर लेंगे, पिगमेंटेशन है वो भी सब छुप जाएगी। तो आपको अगर चाहिए ऑरेंज करेक्टर, तो आप फाउंडेशन से पहले उसको अप्लाई करना, जिससे सारी आपकी डार्कनेस वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर आप अपने फेस को हाईलाइट करना चाहते हो, तो फाउंडेशन का जो शेड है उसे 1 से 2 लाइट शेड पे जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका फेस हाइलाइटिंग लगे। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ ही लिया है, क्योंकि मुझे हाइलाइटिंग का इफेक्ट भी इससे मिल जाएगा, मेरे डार्क सर्कल्स भी थोड़े बहुत जो हैं उससे कवर हो जाएंगे। तो इसको मैं ब्लेंड करूँगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम अपने पूरे बेस को सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है नायका का ये कॉम्पैक्ट, जो कि आते आते ही टूट गया था, मेरी ही गलती थी इसमें एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आप दिख रहा है बिल्कुल हल्का हल्का सा, इसी को मैं अप्लाई करूँगी। इस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत हल्का हल्का ही लगाया। लेकिन अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो आप अच्छे से लगाना कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर भी ले सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा फाउंडेशन क्रीज कर सकता है, तो मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करूँगी। जैसे कि जब आई मेकअप करूँगी तो आईलिड्स के ऊपर, अपने माउथ के अराउंड, नोज पर, थोड़ा अपने फोरहेड पे। तो अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। इसके बाद मूव करते हैं आई शेडोज की तरफ। तो आई शेडोज के लिए आज मैंने ये बहुत ही सुंदर सा पैलेट लिया है। वैसे ये पैलेट बहुत पुराना है, अब कह सकते हो ये मेरा फर्स्ट पैलेट है।
ये वाला शेड एक फ्लफी ब्रश में मैंने लिया है। इस शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड हम अप्लाई करेंगे, तो अच्छे से इसको इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको अपनी पूरी आईलिड्स के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करना है। आप कोई भी लुक करते हो, स्मोकी कर रहे हो, कोई भी स्कर्ट क्रीज, हेलो आइज, कुछ भी कर रहे हो, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लेंडिंग में आपको ट्रस्ट रखना है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपको देना है। तो यहाँ पे हम मोनोक्रोम लुक करें तो उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला शेड लेके अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड करी अपने पूरे आईलिड्स के ऊपर। थोड़ा सा डार्कर पिंक शेड चाहिए था इसलिए मैंने ये NYY का पैलेट लिया है। इसके अंदर से ये वाला शेड लेके मेरा जो क्रीज है उसके अंदर मुझे अप्लाई करना है अच्छे से। थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि उसने अच्छे इसके कलर्स नहीं है, तो इसलिए जब तक मुझे मेरा डिज़ायर शेड नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको अप्लाई करती रहूँगी। अच्छे से अपनी क्रीज में मुझे अप्लाई करना है और उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से मैं हल्का हल्का इसको स्मच करूँगी, ब्लेंड करूँगी, जिससे थोड़ा सा डेफिनेशन मेरी आइज़ में मुझे मिल जाए। वापस आते हैं अपने फर्स्ट पैलेट पे। तो एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है और उसमें से ये डार्कर शेड को अप्लाई करूंगी अपने आईलिड्स के ऊपर अच्छे से। पूरा पर्पल शेड हमें देना है, जब तक डिजायर शेड ना मिल जाए अच्छे से अप्लाई करते रहना है डैब डैब करते हुए। और उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जिससे मेरी आईज में एक मोनोक्रोम लुक का इफेक्ट आ जाए। जो शेड मैंने अपने ट्रांजिशन में यूज़ किया था उसी को मैं एक क्लीन ब्रश में ले रही हूँ और अच्छे से अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए, जिससे कि सब कुछ इजीली ब्लेंड हो जाए, सब कुछ आपस में एक दूसरे से सिंक करे। अब ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने ये वाला शेड पिक किया है और इसको मैं लगाऊंगी अपने लोअर लैश लाइन पे। इसी के साथ हमारा लुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बिल्कुल क्लोज क्लोज लैश लाइन पे, जिससे कि पूरे आईज पे एक मोनोक्रोम लुक आ सके और वो ज़्यादा सुंदर दिख सके। करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है लाइनर। तो लाइनर के लिए आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ टीन का ये ड्रीम जेल लाइनर। इसके अंदर आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये पर्पल शेड था जो कि मैंने बहुत टाइम पहले मंगाया था लेकिन इसको मैंने यूज ही नहीं किया। तो इसी से मैं आज अपना एक सुंदर सा विंग बनाऊंगी। आप चाहो तो इस साइज पेंसिल को अपने वाटर लाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो इसलिए इसको आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना होगा। उसके बाद मैं इसको हल्का सा स्मज भी कर लूंगी एक ब्रश की हेल्प से, जिससे थोड़ा सा लुक और ज्यादा अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे अपना प्यारा सा पर्पल आईलाइनर लगा लिया है। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे एक डार्कर ब्राउन शेड ले रही हूँ एक एंगल ब्रश की हेल्प से, और उसको थोड़ा थोड़ा लेके स्मज करूंगी जिससे मेरी आईज में एक डेफिनेशन मिल सके। तो अगर आप चाहते हो ये पर्पल काजल भी लगाना या फिर ब्लैक काजल, तो आप अपनी वाटर लाइन में आराम से लगा सकते हो। आप टोटली आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। आई मेकअप हमारा हो गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ है। अब मैं ले रही हूँ ये शिवाना का पैलेट, ये है ब्रो पाउडर। तो इसके अंदर एक एंगल ब्रश से मैं ये डार्कर शेड ले रही हूँ। इसको मैंने इतना यूज़ करना है कि पूरी पैलेट खत्म ही हो चुकी है। तो अच्छे से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। जब आई मेकअप हमने इतना अच्छा किया तो आईब्रोज पे भी थोड़ा सा टाइम देके करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज कितनी ज़्यादा लाइट है, तो उसको अच्छे से मैं जितने भी स्पेस आप दिख रहे हैं वो सबको मैं फिल करूंगी और इसको एक अच्छा सा शेप देके आईब्रोज को डिफाइन करूंगी। एक आंख पे हो चुका है, दूसरे पे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो हो चुका है। इसके बाद सेम पैलेट में लूंगी शिवाना का। इसके अंदर से जो ये लाइटर शेड है इसको मैं एक फ्लफी ब्रश में लेके अपने फेस को कंटोर करूंगी। तो कंटोर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आई मेकअप हमने हैवी किया है। तो अपने हॉलो ऑफ दी चीक्स, अपने जॉ लाइन, अपने नोज और फोरहेड को भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से कंटोर करूंगी। नोज कंटोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है। तो जब से मैंने ये वाला स्टेप करना शुरू किया है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं बड़ा वाला ब्रश नहीं यूज़ करती, मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन अब मैं छोटा ब्रश ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़े से हार्श लाइन्स, तो उस सबको ब्लेंड कर लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब मूव करते हैं ब्लश की तरफ। तो ऑफकोर्स हम पिंक ब्लश ही लेंगे क्योंकि हमने आई मेकअप पिंक किया है और हमारा लिप कलर भी पिंक होने वाला है। तो अच्छे से अपने एप्पल ऑफ दी चीक्स, अपनी नोज और चिन एरिया पे मैं अप्लाई करूंगी। मुझे ब्लश करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये फेड आउट हो जाता है बाद तक, जब तक आप अपना मेकअप वगैरह पूरा कर लेते हो, लास्ट तक जब आप अपना आउटफिट वगैरह चेंज कर लोगे तो तब तक थोड़ा फेड आउट हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा एक टोन ज़्यादा भी ले सकते हो, बाद में वो ठीक हो जाता है। फेस को हाईलाइट करने के लिए अब मैं फिर से ये लिक्विड ड्रॉप्स ही ले रही हूँ। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लुक को चेंज कर देता है। तो बहुत ही कमाल का ये हाईलाइटर है। तो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटिंग करना है उसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से साथ ही साथ ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे अपने एप्पल ऑफ दी चीक्स पे अच्छे से अप्लाई किया है। तो यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा सा ये केकी हो सकता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नोज पे भी मैं इसको अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा फोरहेड पे और थोड़ा सा अपने क्यूपिड एरिया और चेन एरिया पे भी इसको इस्तेमाल करूंगी। और फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अपने इनर कॉर्नर पे भी मैं इसी को इस्तेमाल करूंगी। एक स्मॉल ब्रश मैंने लिया है और अपने इनर कॉर्नर्स पे इस्तेमाल कर रही हूँ हाईलाइटर को। इससे आंखें थोड़ी सी ज़्यादा इलोंगेटेड लगती हैं। और सेम को लेके मैं अपने ब्रो बोन पे भी लगाऊंगी जिससे मेरी आई लुक एकदम से कंप्लीट हो जाए।
आई लुक को हम कंप्लीट करेंगे मस्कारे से। तो आज मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट मस्कारा मंगाया है जो कि शुगर पॉप कॉस्मेटिक से। इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम रेनबो वाली है। तो यहाँ पे जो इसकी ये बॉटल आई है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्पेशली मैंने इसके वॉन्ड की वजह से ही इसको ऑर्डर किया था। यू कैन सी इसका वॉन्ड कितना डिफरेंट है। तो अच्छे से इसका मैंने अप्लाई किया, तो जो हमारे आई लैशेज होते हैं इनर कॉर्नर वाले या फिर लोअर लैश लाइन वाले, तो उस पर अप्लाई करना मस्कारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो इसको मैं अप्लाई कर रही थी तो बहुत ही आराम से लग गया था। वैसे यार देखो, मैं मस्कारा की उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि उसको रिमूव करना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको रिमूव करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और मैंने इसका एक ही कोट अप्लाई करा है, क्योंकि फर्स्ट मुझे कहीं जाना नहीं था, वीडियो के लिए ही मैं शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बस एक ही कोट अप्लाई किया। लेकिन अगर आपको अच्छे से इसके इफेक्ट्स चाहिए तो आप 2 से 3 कोट लगा लेना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है मस्कारा। अंडर 300 रुपीज़ पड़ता है। मैंने यहाँ पे अपनी एक आंख पे एक ही कोट अप्लाई किया है, आप आराम से इसका डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो अगर आप 2 से 3 कोट लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे फॉल्सेस वाले इफेक्ट मिल जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि आराम से निकल भी जाता है। तो मेरी तरफ से ये मस्कारा पास हो चुका है, आप डेफिनेटली इस मस्कारा को ट्राई कर सकते हो। मूव करते हैं लिप कलर की तरफ। तो ये है इनसाइट कॉस्मेटिक से, इस शेड को मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था कि मे बी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंडर 90 रुपीज़ आपको तो इतने प्यारे प्यारे शेड मिल जाते हैं। ये शेड है विंटेज, थोड़ा सा इसको शेक करना पड़ेगा, देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसको मैं आज यूज करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, और ये जो लुक क्रिएट हुआ है ना, उसके साथ ये लिपस्टिक बहुत अच्छी जा रही है। ये ब्रांड से आप जरूर लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, इसमें आपको बहुत अच्छे रेड ब्राउन पिंक पीच शेड्स मिल जाएंगे, और ये खुशबू में भी बहुत अच्छे हैं। अफोर्डेबल है स्पेशली, सबसे अच्छी बात यह है, और ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो अच्छे से आज मैंने कोई लिप लाइनर इस्तेमाल नहीं किया, इसी को मैं अपने पूरे लिप्स में अप्लाई करूंगी। ये शेड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, इस शेड का नाम है विंटेज। तो देख सकते हो आप कुछ ही सेकंड के अंदर ये लिपस्टिक ड्राई हो गई, और कितना ज़्यादा ये शेड सुंदर लग रहा है, मेरे आई लुक के साथ बिल्कुल परफेक्ट है ये, बिल्कुल भी मतलब स्मज प्रूफ है, नॉन ट्रांसफर है। और खासकर इसका जो प्राइस हम पे कर रहे हैं अंडर 90 रुपीज़, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अगर आप बिगनर्स हो या फिर आप लिपस्टिक्स के बहुत बड़े फ़ैन हो तो भी आप इसकी शेड रेंज ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे आपको रेड पिंक और ब्राउन शेड्स मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ट्राई करना, पर्सनली मेरा ये फेवरेट ब्रांड है। पूरे मेकअप को मैं सेट कर लूँगी सेटिंग स्पेस से, और देखते ही देखते मेकअप लुक हो गया कंप्लीट। अब मिलती हूँ अपने आउटफिट और ज्वेलरी चेंज करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फाइनल करवा चौथ लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर निकल के आया है। इस तरीके के जो मोनोक्रोम लुक होते हैं ना, ये कभी भी ट्रेंड से नहीं जाते, ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है हर किसी के ऊपर। आप चाहो तो इस लुक को आप अपने अपकमिंग फेस्टिवल सीजन जैसे कि दिवाली या फिर वेडिंग सीजन में भी कर सकते हो, ये बहुत सुंदर लगने वाला है। आप लोग बताना आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके, और किस तरीके के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो आप वो भी बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन पर वीडियोज़ बनाना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, आई लव यू सो मच, बाय बाय।